हॉस्टल की मांग अगर हम लोग को पूरी नहीं की जाएगी तो हम विभाग वगैरह को भी बाधित करेंगे। सही ढंग से किसी को समझाया जाए या अपनी मांग को मांगा जाए, अगर नहीं हम आपको विभाग दे रहा है तो फिर हमको अग्रवादी तरीके से लाना पड़ेगा। कम आवास हमको मिल जाता है यहाँ। आवास के लिए अब हम लोगों ने कहा है कि कहीं अगर उसमें स्थान हो सके तो एकोमोडेट मैं पारा मेडिकल छात्र हूँ SKMCH की। हम लोग सेम एग्जाम से आते हैं, इंट्रेंस एग्जाम पास करके DCC के इंक्लूड, सेम एग्जाम से GNM भी आती है, उसको छात्रावास दिया जाता है। हम लोग को छात्रावास तो दूर, हम लोग को 8-8 घंटे ड्यूटी कराया जाता है, ना कोई स्टाइपेंड ना कोई ड्यूटी। एग्जाम हो गया लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। बाहर से हम लोग आते हैं, हम लोग को इतना गलत कमेंट किया जाता है, बाहर में मकान मालिक टॉर्चर करते हैं, लेटर जाने पर रूम मालिक बोलता है कहाँ रहती हो, फिर यहाँ पर आने पर अटेंडेंस काट दिया जाता है, ना हॉस्टल है ना स्टाइपेंड है, 8-8 घंटा ड्यूटी करवाया जाता है, एक दिन नहीं आने पर अटेंडेंस काट दिया जाता है। हम लोग सेम एग्जाम से आए हैं, सेम एग्जाम से GNM भी आई है, GNM को हॉस्टल मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। बॉयज को छोड़कर लड़की लोग को भी हॉस्टल नहीं है, यहाँ हॉस्टल खाली होते हुए भी हम लोग को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। हम लोग को सुबह 8 बजे यहाँ पे ड्यूटी पे बुलाया जाता है और हम लोग को अपने रूम से सुबह 8 बजे यहाँ पे ठंडा होया गर्मी यहाँ पे आना पड़ता है, लेकिन ड्यूटी के बावजूद भी हम लोग को ना कोई सुनता है हम लोग का, ना ही हम लोग का एग्जाम टाइम पे होता है, हम लोग का सेशन भी लेट है। 2 साल का कोर्स को 4 साल किया जाता है फिर भी फाइनल नहीं होता है। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग हमेशा रूम रेंट भरते रहें। जब सेशन लेट है तो आप हॉस्टल दीजिए, कम से कम इतना लेट है तो कितना दिन हम लोग रूम रेंट पैसा पे करेंगे। एग्जाम भी नहीं होता है, ना टाइम पे रिजल्ट आता है। क्या मांग है? हम लोग यही मांगे हैं कि हम लोग को हॉस्टल दिया जाए और स्टाइपेंड दिया जाए और हम लोग का सेशन नियमित किया जाए। क्या परिचय हुआ अपना? मेरा नाम वंदना कुमारी हुआ, फ्रॉम SKMCH ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट। हम लोग को बार बार आश्वासन ही दिया जा रहा है, पता होना चाहिए कि हम लोग स्टाइपेंड और हॉस्टल के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी आए हैं, जो परसों हम लोग को बताया गया था कि आज सोमवार को आके विभाग से मिल लेना, हो सकता है तो हॉस्टल अलॉट कर देंगे, बट अभी जब आए हैं तो कोई मतलब कि दिख नहीं रहे हैं, सही से दिखे नहीं है। अभी आए हैं तो जो परिवार में अधीक्षक सर है उनसे बात हुई है तो वो बोले हैं कि हम GNM के प्रिंसिपल का वेट कर रहे हैं, लेकिन उधर से भी कोई भी किसी भी तरह का आश्वासन नहीं आया है। तब से हम लोग मॉर्निंग से ही बैठे हुए हैं, सारे विद्यार्थीगण बैठे हुए हैं। सर हम अगर हम लोग को हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा, स्टाइपेंड की बात रहे तो हम लोग सरकार से लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, हम लोग का रणनीति जो है आगे भी बढ़ेगी, लेकिन अगर हॉस्टल की मांग अगर हम लोग को पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और आगे से अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक जो है ना हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आगे से हम लोग विभाग वगैरह को भी बाधित करेंगे, क्योंकि अगर सही ढंग से किसी को समझाया जाए या अपनी मांग को मांगा जाए, अगर नहीं हम आपको विभाग दे रहा है तो फिर हमको अग्रवादी तरीके से लड़ना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ? कुमार SKMCH। इसकी लड़ाई हम लोग आगे तक लड़ेंगे, इसके लिए हमारा स्ट्रेटजी तैयार हो गया है। हम लोग पुनः NMCH अपने बोर्ड ऑफिस पहुँच करेंगे, फिर वहाँ कोई सुनवाई यदि नहीं होती तो फिर हम लोग स्वास्थ्य विभाग जाएंगे, क्योंकि हमारी छात्रावास की जो मांग है वो हमारे NMCH कंट्रोलर के अंतर्गत में आता है। और जहाँ तक स्टाइपेंड की बात है तो हमको यहाँ से आश्वासन दिया गया है कि आप स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं तो आपकी ये मांग आपको सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो सही बात है, हम लोग सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी मांग को सही ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग उनके पास रखेंगे। आज तक हम लोग का लेकिन ये जो स्ट्राइक चल रहा है वो अनवरत चलते रहेगा और कार्य बहिष्कार भी जारी रहेगा। क्या परिचय हुआ अपना? शक्तिधर कुमार, ओपी असिस्टेंट SKMCH। इनकी मांग है कि इनको छात्रवृत्ति जो स्टाइपेंड की, और दूसरी मांग है आवास की। तो ये दोनों नीतिगत नहीं, पूर्व से चूंकि छात्रवृत्ति शायद नहीं मिलती है जी, और आवास जो हॉस्टल का है वो भी चूँकि बाद में शुरू हुआ तो उसके लिए आवास इन लोगों के लिए अलग से कोई छात्रावास अभी संभवतः बनाया नहीं गया हुआ, ये तो सारा इसके लिए आवंटन नीतिगत निर्णय सरकार की तरफ से होगा। इनका एक प्रतिवेदन आया था जो प्राचार्य महोदय के यहाँ भेज दिया गया है और वहाँ से सरकार के पास ही जा कर ये बात हमने समझाने की कोशिश उनको की है, इनकी परेशानी है लोग समझ रहे हैं, तो वहाँ से संवाद होगा तब कुछ निर्णय। ये लोग के कहना है कि कम से कम आवास हमको मिल जाता है यहाँ। आवास के लिए अब हम लोगों ने कहा है कि जो संबंधित जैसे GNM का के प्राचार्य हैं और प्रिंसिपल साहब ने एनाटॉमी की एक शिक्षिका हैं बड़ी, उनको
जिम्मेदारी दी है कि देखें कि कहीं अगर संभव हो सके अन्य लोगों का जो महिला छात्रावास एएनएम जीएनएम वाली है कि कहीं अगर उसमें स्थान हो सके तो एकोमोडेट किया जाए। संबंध में लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम जो रुके हुए हैं तो क्या कुछ सूचना लाते हैं। आपको पता है सच का आईना।